देश में गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में जहां हाल में हुई बारिश ने एक तरफ थोड़ी सी राहत दी थी, तो एक बार फिर गर्मी का दंश लोगों को सताने लगा है। अब एक बार फिर से ये और घातक होने जा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू लोगों को परेशान करने वाली है। राजधानी दिल्ली में 10 जून को अधिकतम तापमान 83.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 6 दिनों में पूरे दिल्ली NCR में लू चलने की संभावना है। लू को लेकर विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट और 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वह उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में सोमवार का अधिकतम तापमान 41 से 46 डिग्री के बीच रहा। हरियाणा के सिरसा, हिसार और रोहतक में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहा है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में भी अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो रिज में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री, लोधी रोड में 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यूपी के प्रयागराज में सबसे अधिकतम तापमान यानी 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं वाराणसी, कानपुर और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली में बीते सप्ताह अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहा। वहीं इस सप्ताह 44 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। अगले 6 दिनों तक दिल्ली में लू चलने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ ही विभाग ने इन राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों में 10 से 20 दिनों तक बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई है। वहीं उत्तरी कर्नाटका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो 64 से 115 मिली बारिश होने की संभावना है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।